नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको कभी भी निगलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से वेरियस क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि आप सब चीज पढ़ के जाएं, आपको वही चीज पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है और जो जिससे मार्क्स बनते हैं, ठीक है, जिससे मेन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन एन चैनल मॉसफेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, देखिए, एन चैनल मॉसफेट। अब पहले बात तो आपको एक एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा कि आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है, वी टी इज इक्वल टू वी टी नॉट प्लस गामा अंडर रूट ऑफ ये ट्वाइस फाई एफ प्लस वी एस बी एंड माइनस अंडर रूट। ये मैं एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ, इसीलिए अगर आप मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट देखें तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे देखिए कि ये आपको ये इक्वेशन रट लीजिए कि वी टी इज इक्वल टू वी टी नॉट प्लस दिस गामा ऑफ अंडर रूट ट्वाइस फाई एफ प्लस वी एस बी माइनस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस फाई एफ। फाई एफ इज फर्मी पोटेंशियल होता है ना, वेयर दिस गामा जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस क्यू एन ए, ठीक है, इंटू एप्साइलन एस बाय सी ओ एक्स, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू और क्या होगी, जैसे थिकनेस टी ओ एक्स अंडर रूट ऑफ ट्वाइस क्यू एन ए एंड एप्साइलन एस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 3.45 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यही होगा ना। अब आप इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी भी एन चैनल मॉसफेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हम चैनल डूपेंट कंसेंट्रेशन से बढ़ा सकते हैं, चैनल डूपेंट कंसेंट्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, गेट ऑक्साइड थिकनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, या रिड्यूसिंग द चैनल लेंथ। देखिए, ये इंक्रीज होगा बाय रिड्यूसिंग द चैनल डूपेंट कंसेंट्रेशन। जब आप चैनल के डूपेंट कंसेंट्रेशन को रिड्यूस करेंगे तभी आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होगा वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रांजिट टाइम ऑफ द करंट कैरीज थ्रू द चैनल ऑफ ए जेफेट डिसाइड्स इट्स, देखिए ट्रांजिट टाइम ऑफ द करंट, ट्रांजिट टाइम वैसे क्या होता है, द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड होता है ना। द ट्रांजिट टाइम ऑफ द करंट कैरीज थ्रू द चैनल ऑफ ए जेफेट डिसाइड्स इट्स, ये इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये मैं रिविजन करवा रही हूँ, इसीलिए ये जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, तो एक बार आप उसे चेक कीजिए, ठीक है। मैंने आपको इसलिए मैं करा रही हूँ ताकि ये आपको एक्सप्रेशंस भी रटे रहें, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट है, चैनल करंट इज रिड्यूस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए मोर पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट ऑफ डिप्लीशन मोड एंड चैनल मॉसफेट, मतलब जो चैनल करंट होती है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी चैनल इट इज रिड्यूस्ड, ये कब रिड्यूस होगा, व्हेन यू अप्लाई अ मोर पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट ऑफ द डिप्लीशन मोड एंड चैनल डी मॉसफेट। जब आप इसमें गेट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, देखिए फॉर डिप्लीशन मोड क्या होता है कि इफ द गेट टर्मिनल इज मेड मोर पॉजिटिव तो चैनल क्या हो जाएगा, इट बिकम्स मोर एंड मोर एन टाइप, चैनल बिकम्स मोर एंड मोर एन टाइप। अगर आप गेट वोल्टेज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू से बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू ही तो है, तो चैनल भी आपका ज्यादा से ज्यादा एन टाइप में होगा, क्योंकि इसमें ड्रेन करंट जो होगी, जो आईडी होगी, इट विल इंक्रीज, तो इसीलिए ये जो आंसर है आपका ये फॉल्स होगा, ये होगा, क्योंकि यही तो होता है ना आपका डिप्लीशन, डिप्लीशन तो आपका यही होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि नेक्स्ट है, द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर विद इट्स बेस ओपन इज BVCEO एंड दैट विद एमिटर ओपन इज BVCBO, देन देखिए इस केस में क्या होता है, ओपन बेस ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये क्या है आपका ओपन बेस ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी कि बीवी, देखिए BVCEO कलेक्टर टू एमीटर ब्रेक डाउन वोल्टेज विद बेस ओपन, यही होगा ना, है ना, एंड विद BVCBO यानी कि कलेक्टर टू बेस ब्रेक डाउन वोल्टेज विद एमीटर ओपन, यही होगा ना, इसका एक्सप्रेशन
दोनों में क्या रिलेशन है, बीवी सीईओ इज इक्वल टू बीवी सीबीओ ऑफ वन बाय अंडर रूट बीटा, यही होता है। अब क्योंकि बीटा मेनली लार्जर होता है, मोर देन वन होता है, तो जब ये ज्यादा होगा तो आपका बीवी सीईओ क्या होगा, इट विल बी लेस देन बीवी सीईओ बीवी सीबीओ, तो यानी कि आपका ये सी एक्सप्रेशन, आपका क्या होगा, सी एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट है अबीजीटी इज सेट टू बी ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन रीजन इफ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हेन द बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईबर्स मॉल मॉडल इज एप्लीकेबल टू, देखिए ईबर्स मॉल मॉडल एक कंपोजिट मॉडल होता है एंड इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द ऑपरेशन ऑफ ए बीजेटी ऑल ऑफ इट्स इन ऑल ऑफ इट्स पॉसिबल मोड्स, ठीक है। जैसे इट कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडियल डायोड्स placed back to back with reverse saturation currents IEO and ICO, इसमें जो reverse saturation currents होती हैं, reverse saturation currents कौन सी हैं आपकी, ICO, sorry, IEO and ICO, ठीक है, and the two dependent current control sources होते हैं shunting the diodes। कहने का मतलब ये है, ये जो मैं आपको और बता देती हूँ, ईबर्स मॉल मॉडल क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडियल डायोड्स कनेक्टेड और प्लेस्ड बैक टू बैक विद रिवर्स सैचुरेशन करंट्स आईईओ एंड आईसीओ एंड टू डिपेंडेंट करंट कंट्रोल्ड सोर्सेस शंटिंग द डायोड्स। ये ईवर्स मॉल मॉडल का भी एक तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है कि दो डायोड्स को बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं विद देयर रिवर्स सैचुरेशन करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम एंड टू डिपेंडेंट करंट कंट्रोल सोर्सेज जो कि डायोड्स को शंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कि ये क्या बीजेटी के लिए एप्लीकेबल होता है, मॉस के लिए होता है, यूजेटीज के लिए होता है, जेफेट के लिए होता है, इन तीनों में से किसी के लिए नहीं होता, ये केवल बीजेटी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्ली इफेक्ट इन अ बीजेटी इज कॉज्ड बाय, देखिए अर्ली इफेक्ट द प्रोसेस वेयर द इफेक्टिव बेस विड्थ ऑफ द ट्रांजिस्टर, जब इसमें जो इफेक्टिव बेस डब्ल्यू इज फॉर विड्थ, ये क्या है विड्थ, the process where the effective base width of transistor is changed or altered, ठीक है, by varying the collector junction voltage, उसको हम बोलते हैं base width, जो मतलब आप collector junction voltage को either you are increasing or decreasing, उसका variation करने से अगर effective base width transistor की change हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं early effect, उसको हम अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। इन अ ट्रांजिस्टर बाय चेंजिंग द कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज इट इज सीन कि जो बेस विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, जब हम इसमें क्या करते हैं बाय चेंजिंग कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज, इट इज सीन जो बेस विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, जब भी हम कलेक्टर वोल्टेज को चेंज करेंगे तो हमेशा जो बेस विड्थ होगी ट्रांजिस्टर की वो भी चेंज होगी, ठीक है, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो इसका ऑप्शन होगा ये कैसे होता है, इट इज ड्यू टू लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, ये इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, जितनी ज्यादा हम कलेक्टर टू बेस में रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करती रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका इफेक्टिव बेस विड भी मे बी वेरिएशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ बीजेटी, देखिए मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बापरे कौन सा है ये जेफेट का है और ये इसका है, वन मिनट, इन अ, अच्छा ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इन अ बीजेटी, देखिए देखिए इसका कोई ऑप्शन दिया है क्या, नहीं दिया है, अच्छा ठीक है, देखिए द करंट गेन इंक्रीजेस, इसमें आप देखिए ए का क्या ऑप्शन होगा, कलेक्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब ये सब आपको देखना पड़ेगा, पहले मैंने आपको शायद ये बताया भी है कि अगर बेस विड्थ और बेस डुपिंग दोनों को हम रिड्यूस कर दें, इफ बेस विड्थ एंड बेस डुपिंग, एन बी इज फॉर बेस डुपिंग, याद रखिएगा एन बी इज फॉर बेस डुपिंग, तब जो रिकॉम्बिनेशन करंट कौन सी होगी, रिकॉम्बिनेशन करंट कौन सी होगी, आई बी, रिकॉम्बिनेशन करंट आई बी डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट जो आई सी होता है आपका,
आईसी ये इंक्रीज होता है, मतलब जब आप बेस विड्थ और बेस डूपिंग दोनों को आप क्या करते हैं, इफ बेस विड्थ एंड बेस डूपिंग बोथ आर रिड्यूस, दोनों को आप रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो बेस की विड्थ को कम कर रहे हैं और जो उसमें बेस में जो आप डूपिंग कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी यू आर गोइंग टू एड इन द बेस, ठीक है, तो दोनों को जब आप रिड्यूस कर देंगे तो रिकॉम्बिनेशन करंट भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आईसी होगा आपका आईसी वो इंक्रीज हो जाएगा एंड दस जो करंट गेन होगा बीजेटी का, अल्फा इज इक्वल टू आईसी बाय आईबी, जब आपका इफेक्टिव ये बेस करंट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें आपने क्या किया, बेस विड्थ एंड बेस डूपिंग दोनों को रिड्यूस कर दिया, जब दोनों को आपने रिड्यूस कर दिया है तो ये आईबी भी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जब आईबी रिड्यूस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका करंट गेन है वो इंक्रीज होगा, जब ये इंक्रीज होगा तो आईसी भी इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए का, बेस डूपिंग इज रिड्यूस्ड एंड बेस विड्थ इज रिड्यूस्ड, ये तो मैंने बताया था, नहीं, इसमें ये इंक्रीज की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बेस डूपिंग इज रिड्यूस्ड बेस विड्थ इज, नहीं, दोनों नहीं, दोनों को द बेस डूपिंग एंड द बेस विड्थ बोथ आर रिड्यूस्ड, तो मतलब ए का तो 3 हो जाएगा। दूसरा है कलेक्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस, देखिए इस केस में क्या होगा कि कलेक्टर का ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे इंक्रीज होता है, एज द बेस डूपिंग इज इंक्रीज्ड, जब आप बेस डूपिंग को बढ़ाएंगे, जब आप बेस डूपिंग को इंक्रीज करेंगे एंड जब तो क्या होगा, बेस की डूपिंग को आपने बढ़ाया है तो बेस विड्थ भी आपकी तब भी रिड्यूस हो रही है, बेस विड्थ आपने क्या कर दिया, देखिए इसमें हमें कंडीशन दी है, जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन ही देखें, बेस डूपिंग को आप इंक्रीज कर रहे हो और बेस विड्थ को आप घटा रहे हो, अगर आपने ये कर दिया कि विड्थ जो बेस की विड्थ है उसको भी आपने घटा दिया, जो कलेक्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो बढ़ जाएगा, कलेक्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जो बी का होगा ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर तीसरा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जब आप इसमें भी इसका वैसे इसका भी वैसे ये इन दोनों में से तो नहीं होना चाहिए, इसका भी वैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, इसका भी 1 ही होगा क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ती है जब आप बेस डूपिंग को इंक्रीज कर रहे हो और बेस विड्थ को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है, मुझे बताना कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, ठीक है, ये होमवर्क है और होमवर्क कोई करके लाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना कि होमवर्क दिया करो, तो मैं दे रही हूँ, इसे करके लाइएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर।